कुछ बादशाहतों का अगर हम जिक्र करें तो बहुत हैरत होती है जो कई सौ सालों से चलती हुई और कई सौ साल तक चली। और आज मैं आपसे जिक्र करूँगा ईरान की कई सौ साल हज़ारों सालों से चलती हुई बादशाहत का निज़ाम जो कई सदियों से चलता हुआ और आखिर वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। ईरान का भी शहनशाही निज़ाम मिस्र की तरह बहुत कदीम और पुराना है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिल सके। मिस्र के फिरौन बादशाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम से पहले के दौर से चलते हुए आ रहे थे और वो बादशाही निज़ाम कई सौ साल से चलता आ रहा था, वाकई आखिर बिलाखिर गुजरी सदी में ख़त्म हुआ, जिसके आखिरी बादशाह फारूक को मुल्क से भगा दिया गया और वही हाल ईरान के बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का हुआ, जो ईरान की सदियों से चलती हुई बादशाहत का आखिरी बादशाह साबित हुआ। अगर देखा जाए तो ईरान का बादशाही निज़ाम का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पैदा होने से पहले का है, तकरीबन पाँच सदियां पहले यानी 550 कबल मसीह में से पहले का है। अगर हम ईरान के बादशाहों का जिक्र करें तो एक लंबी कतार कई सौ साल से चलती हुई आ रही है, जिनमें से बहुत से नाम आज भी तारीख में बहुत मशहूर हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उनका ज़िक्र होता है, जिनके कुछ नाम मुख्तसर नाम मैं आपको बताता हुआ चलूँ। नंबर वन पे कमीज़ अवल, नंबर दो पे दारा, नंबर तीन पे खुशी आरशा और नंबर चार पे अर्द शेर अवल, नंबर पाँच पे दारा दोम और नंबर छः पे दारा सोम वगैरह। यानी ये एक लंबी कतार बादशाहत की चलती हुई, उसमें से ये चंद नाम थे जो आज भी तारीख में बताए जाते हैं। उस वक्त ना तो इस्लाम था और ना ईसाइत। दारा सोम की हुकूमत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 330 साल पहले तक चली थी और उसके बाद ईरान का बादशाह यूनान का सिकंदर आज़म बना। कहाँ ईरान और कहाँ यूनान, ईरान फारसी बोलने वालों के मुल्क में उसके बाद यूनानी ज़बान बोले जाने लगी जब सिकंदर आज़म ने ईरान पे हुकूमत की, और वो भी तीन चार साल तक नहीं बल्कि तकरीबन 300 साल तक ये सिलसिला चला, जिसमें से 323 कबल मसीह से 330 तक सिकंदर आज़म खुद बादशाह बना होकर रहा। उसके बाद उसके यूनानी हुकूमत के लोग हुकूमत करते रहे। सिकंदर आज़म ने ईरान में रहने के दौरान तीन शादियां की। उसने पहली शादी ईरानी लड़की रुखसाना के साथ की और दूसरी शादी दारा सोम की बेटी उस्तातीरा नाम की लड़की से की और तीसरी शादी शेर सोम की बेटी प्रुशात नाम की लड़की से की। 323 में सिकंदर आज़म की वफ़ात हुई। उसके बाद उसकी पहली घरवाली रुखसाना ने अपना और अपने बेटे अलेक्जेंडर फोर के फ़ायदे के लिए उसने उसकी दो घरवालियों को मरवा दिया। याद रहे कि सिकंदर आज़म का नाम अलेक्जेंडर थ्री सोम था। बहरहाल यूनानी लोग भी हमेशा के लिए ईरान में ना रह सके और उनके बाद फिर मकामी लोग ही ईरानी हाकिम बने। उसके बाद जो सल्तनतें आईं उनमें से अश्कानिया सल्तनत, सासानी सल्तनत वगैरह थी और ये सब सल्तनतें आतिश परस्त थी। बाद में इस्लाम आने के बाद मुसलमान सल्तनतें ईरान पे हुकूमत करती रहीं और आखिर में कजार घराना और उसके बाद बिल्कुल आखिर में पहलवी घराना ईरान की बादशाहत का आखिरी घराना साबित हुआ, जिसका बुनियाद रज़ा शाह पहलवी ने रखा, जिसके बाद उसका बेटा मोहम्मद रज़ा पहलवी और दूसरा और आखिरी बादशाह बना। शहनशाह ईरान की पहली घरवाली फौजिया उस वक्त के मिस्र के बादशाह फारूक अवल की बहन थी, जिसके साथ शहनशाह ईरान की 1939 में शादी हुई थी जब वो 18 साल की थी, जबकि शहनशाह ईरान उससे 2 साल बड़ा था। फौजिया 1921 में मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के मशहूर शाही महल में पैदा हुई थी। फौजिया अपनी मादरी ज़बान अरबी के साथ साथ इंग्लिश और फ्रेंच ज़बान भी अच्छी तरह समझती और बोल लेती थी। ईरान का आखिरी बादशाही घराना पहलवी, जिसका बुनियाद रज़ा शाह पहलवी ने रखा था, जिसके बाद उसके बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी
शहनशाह ईरान बने, बल्कि ये कहें कि ईरान का आखिरी शहनशाह बना, जिसको बाद में हज़रत इमाम खुमैनी ने तख्त से उतार कर मुल्क बदर कर दिया। ये पहलवी घराना कोई अपने बाप दादा के दौर से शाही ख़ानदान से नहीं थे। रज़ा ख़ान एक आम आदमी था जिसने ईरानी फ़ौज में एक सिपाही की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की थी और आगे चल के उसने बहुत तरक्की की और आगे चल के जनरल के ओहदे पे फायज हुआ। उसने 1921 में मुल्क में इनकलाब ला के ख़ुद को बादशाह की मसनत पे बिठा दिया। उसने चाहा कि उसका वली और शहजादा मोहम्मद रज़ा पहलवी मिस्र के घराने शाह फारूक की बहन से फौजिया से शादी करे ताकि उसका एक नाम हो। वो इसलिए कि मिस्र का अली घराना 1805 ईस्वी से मिस्र पे हुकूमत कर रहा था और वो ये चाह रहा था कि उसकी शादी के ज़रिए सुन्नी और शिया कम्युनिटी के लोग एक हो जाएं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। बहरहाल इस शादी से मिस्र के लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। वो इसलिए कि उन दिनों मिस्र ईरान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मॉडर्न था। वो तो बाद में ईरान से तेल निकलने के बाद अमेरिका ने अपने मतलब के लिए दोस्ती की और ईरान को हथियार वगैरह देके ताकतवर बनाया।